दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सभी को सिखाऊंगा एक ही वीडियो में। अतः आप वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, आपको जहां समझ में ना आए कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि कहां आपको समझ में नहीं आया है, उसको मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को देखिए, कुछ सामने गुणा लिखा हुआ या जोड़ घटाना भाग कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, लेकिन चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले देखना है हमको जोड़ लगाना है, तो क्या लिखा हुआ है? सिक्स। तो सिक्स हमको सबसे पहले अपनी पुरानी वीडियो को देख लेना है कि जोड़ हम कैसे आपको बताए थे। अगर नहीं आपको समझ में आया तो चलिए हम इस वीडियो में समझा देंगे। देखिए सिक्स लिखा हुआ है ना, तो हमको क्या करना है, सिक्स लकीरें पानी, 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या लिखा है, सेवन। सेवन लकीरें प्लस कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी को काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना हो गया हमारा, 13। और 13 हम क्या लिखेंगे, पीछे वाले भाग को हम यहाँ लिखते हैं और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिख देंगे। इसको भी अब काउंट करने लगेंगे। देखिए अभी इन सबको काउंट करिए, क्या लिखा है, थ्री। तो थ्री लकीरें पारिए, 1 2 3। फिर क्या लिखा है, फोर। प्लस फोर लकीरें पारिए, 1 2 3 4। क्या लिखा है, वन। इसमें और वन प्लस कर दिए, सभी को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया हमारा, 8। आपको समझ में आया ना? ठीक है, फिर से देखिए, सेवन। तो सेवन लकीरें पानी है, इसको गिनिए। अच्छा, सेवन लकीरें पानी है, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे क्या लिखा है, टू। इसमें प्लस टू करिए, 1 2। सभी को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो गया हमारा, 9। क्या लिखा है, सिक्स। सिक्स लकीरें पानी, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना लिखा है, वन। वन और प्लस कर दीजिए, आप सभी को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्या हो गया हमारा, सेवन। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है वन, तो हमको पहले क्या करना है, वन लकीर पारनी है, प्लस लगाइए। नीचे क्या लिखा है, नाइन। नाइन लकीरें पारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी को काउंट करिए, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया हमारा, 10। अब 10 कैसे लिखा जाता है, 10 ऐसे लिखा जाता है। अब पीछे क्या है, 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। क्या बचा हमारा, 1। 1 इसके ऊपर लिखेंगे। अब देखिए 8, पहले देखिए 1 है, तो 1 लकीर पारी। फिर क्या है, 2। प्लस इसमें 2 करिए, 1 2। प्लस लगाइए, क्या लिखा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कैसे लिखा जाता है आपका, पता होना चाहिए। 11 आपका ऐसे लिखा जाता है, पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाले भाग को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखा है, वन। हमको वन लकीर पारी, प्लस करिए। नाइन है, नाइन लकीर पारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे कितना लिखा है, सेवन। इसमें सेवन लकीरें पानी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी को अच्छे से काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना हो गया हमारा, 17। ऐसे लिखा जाता है, जब आपकी ख़त्म हो जाए तो यहाँ का आपका 17 का 17 लिख दोगे। अच्छे से समझ में आया ना? अब आगे देखिए, आगे आता है घटाना। अब घटाना कैसे लगाना है उसको अच्छे से आपको देखेंगे और समझ में आ जाएगा, पक्का हम गारंटी लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, सेवन। आपको सेवन लकीर पानी है, 1 2 3 4 5 6 7। कितना लिखा, फोर। तो हमको गिनिए, देखिए 1 2 3 4। इन सब को जब हम छोड़ देते हैं तो कितना हमारा बचा, 1 2 3 बचा। यहाँ क्या लिखोगे, 3। फिर देखिए सिक्स लिखा है, सिक्स लकीर पा रही है, 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या लिखा है, थ्री। थ्री लकीरों को मिटा दीजिए, 1 2 3। क्या बचा हमारा, 1 2 3 बचा कि नहीं बचा, समझ में आ गया ना? फिर से देखिए,
सिक्स लिखा है, 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या लिखा है, 3, 3 को मिटाइए तो क्या बचेगा, 3 बचा। फिर क्या लिखा, 9, 9 लकीरें पा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 को मिटाना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा हमारा, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए थोड़ा हासिल वाला आप घटाना देख लेते हैं, यहाँ 6 है यहाँ 9 है, तो 6 में से 9 घटता नहीं, जैसे मान लीजिए ये आप हैं और आपको कितने रुपए की आवश्यकता है, 9 रुपए की आवश्यकता है या 9 रुपए की आवश्यकता है, तो आपके पास 6 रुपए हैं, 9 रुपए की आवश्यकता है आपके पास, तो कहाँ जाते हैं आप, सबसे पहले इससे उधार नहीं लेंगे, आपको ये क्या करना है, ये आपकी कौन है, मम्मी जी हैं, तो मम्मी जी के पास कितने रुपए हैं, 8 रुपए हैं, अपने सा आपके पास जब पैसे नहीं होते हैं तो अपने मम्मी जी से ही तो मांगने आते हो, तो मम्मी जी के पास जब 8 रुपए हैं, आपको 1 रुपये निकाल के दे देंगी, तो आपके पास 6 रुपए थे, तो कितने रुपए हो गए, 16 हो गए, तो 16 में से हमारा 9 जब जाएगा तो देखिए क्या होगा, 16 लगी रेपारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में से 9 को मिटाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचेगा हमारा, 7। मम्मी जी आपको 1 रुपये दे दी थी तो मम्मी जी के पास बचे थे 7 रुपये, अब 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 को मिटा देंगे तो आपका इतना बचा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना बचेगा, 6। फिर देखिए 9 है, 9 लकीरें पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 2 को मिटाना है, 1 2, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा। आपको अच्छे से समझ में आया ना, फिर आगे देखिए आपका आता है गुड़ा, आपको गुड़ा लगाने से पहले टेबल को आना चाहिए, अगर टेबल नहीं आता है तो आपका गुड़ा नहीं लग पाएगा, इसलिए हमारे पुराने वीडियो को देख के आप 2 से लेकर 10 तक अच्छे से टेबल को याद कर लीजिए। चलिए हम गुड़ा लगाना स्टार्ट करते हैं, गुड़ा लगाने से पहले आपको टेबल याद होना चाहिए, एक बार हम चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये आपका टेबल है, इसी टेबल को मैं अपने शब्दों में अच्छे तरीके से आपको अगले वीडियो में याद कराया हूँ, आप वीडियो को देख के अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए आपको 2 का टेबल पढ़ना है 3 बार, तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 बार, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या लिखोगे, 6। अब 2 का टेबल पढ़ना है 8 बार, चलिए 2 का टेबल 8 बार पढ़ते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16, तो कितना होता है, 2 8 जा आपका होता है 16। ठीक है, फिर देखिए 4 का टेबल पढ़ना है 4 बार, तो 4 का टेबल पढ़िए 4 बार, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 4 जा 16, 16 देखिए आपका ऐसे लिखा हुआ था, पीछे वाले भाग को हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाले भाग को इसके ऊपर लिखेंगे। अब 4 का टेबल पढ़िए 77 बार, 4 का टेबल 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28, तो 4 7 जा 28 होता है, 10 2 8 में आप 1 प्लस करोगे तो 29 होगा, इस 29 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए आपको 2 का टेबल पढ़ना है 1 बार, तो 2 1 जा 2, और 2 का टेबल पढ़िए 8 बार, तो 2 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो आपका होगा कितना, 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम 16 लिख देंगे, अच्छे से समझ में आ गया ना, जहाँ समझ में ना आए वीडियो में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। अब चलिए भाग को लगाते हैं, भाग को लगाने से पहले भी आपको टेबल याद अच्छे से होने चाहिए, अगर टेबल नहीं याद है तो आपको लगाने में प्रॉब्लम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है 2, आपको 2 का टेबल पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना जाए लेकिन कम हो सकता है, तो 2 का टेबल आप जब पढ़ेंगे तो देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो आपका
फोर बार पढ़ लें, एट आ रहा है ना, तो यहाँ लिखिए फोर, यहाँ लिखोगे एट, अब इसको माइनस कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब ये आपका क्या बचा, ये जीरो बचेगा। अब देखिए आपका ये जीरो है ना, यहाँ टू है, तो ये जाएगा नहीं, तो हमको सेवन उतारना पड़ेगा। सेवन उतारने के लिए हम यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, सेवन। टू का टेबल पढ़िए कि सेवन से ज़्यादा ना हो लेकिन कम हो जाए। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, और टू फोर जा एट हो जा रहा है, तो हमको मात्र थ्री बार ले जाना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिक्स। यहाँ क्या लिखोगे, वन। अब ये आपका उतरेगा जीरो, जीरो हो गया। टेन, टू का टेबल पढ़िए, टेन से ज़्यादा ना हो कम हो सकता है। टू फाइव जा टेन, फाइव बार पढ़ोगे आप तो यहाँ टेन आ जाएगा, और आपका इसको घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इलेवन का देख लीजिए, इलेवन का पढ़िए टेबल की 22 से ज़्यादा ना हो कम हो जाए, तो इलेवन टू जा कितना होता है, 22, इसको हटा दोगे जीरो हो गया। फिर थ्री उतारोगे, ठीक, अब थ्री उतार लिए तो ये इलेवन बड़ा है थ्री छोटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ये भी थ्री उतर गया। इलेवन थ्री जा 30, जीरो। ठीक है, फिर देखिए टू का टेबल पढ़िए, ट्वेल्व से ज़्यादा ना जाए लेकिन कम हो जाए, तो टू सिक्स जा ट्वेल्व, कट गया, फिर एट उतरेगा। अब टू का टेबल पढ़िए कि एट से ज़्यादा ना हो लेकिन कम हो जाए, तो टू फोर जा एट, ये भी कट गया, आपका क्या उतरा, टू। टू वन जा टू, इसको हटाएंगे जीरो हो गया। हमारे वीडियो को अच्छे से आप देखिए, जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।